ओके, अस्सलाम वालेकुम अगेन। अच्छा, ये जो अगेन एग्जांपल है, अब देखिए इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये है कि आप जो डायमेंशनल, आपके पास जो डेटा था वो कॉलम में जो था वो 15 डायमेंशनल था, और रोज जो थी वो 25 सॉरी कॉलम जो थे वो 25 डायमेंशनल थे, और रो जो थे वो 15 डायमेंशनल थी। तो वहां से आपने नंबर ऑफ कॉलम्स ऑन रोज को कम कर दिया है बाय डिक्रीजिंग द डायमेंशन ऑफ द डेटा। एंड सिमिलरली एक और जो चीज है, आप डेटा एनालिसिस में किस तरह से एसवीडी को हम यूज कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली, ये वाला जो डेटा है दिस इज एक्चुअल डेटा, क्योंकि हमने प्लॉट किया हुआ है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस पे हमने सिंपली जो कोऑर्डिनेट है उसको लेके प्लॉट कर दिया। और मैंने उसके बाद जो सिंपल मेरे पास डेटा था उसका एसवीडी लिया है। अब एसवीडी में मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आई हैं, वन इज 6.04 जो है वो सिंगुलर वैल्यू की है, और दूसरा जो है वो 0.22 है। यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि सेकेंड जो सिंगुलर वैल्यू है वो बहुत छोटी है, विच मीन्स कि एक्चुअली एक्चुअल जो डेटा जो था इट शुड हैव बीन। सो इट मीन्स, देखिए, टू अगर सिंगुलर नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज का मतलब ये है कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज टू, क्योंकि हमने ये देखा है कि नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज जो है वो टू मैट्रिक्स के रैंक को रिप्रेजेंट कर रही है। हाउएवर, दिस डजंट मीन कि वो जो तमाम की तमाम डायमेंशंस हैं वो इम्पोर्टेंटली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो है वो हमें कैसे पता चल रहा होता है, सिग्मा से पता चल रहा होता है। अगर सिग्मा बहुत छोटा है तो इसका क्या मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली वो जो वेरिएबिलिटी आ रही है उस डायमेंशन में, दैट इज बिकॉज ऑफ सम नॉइज। और इससे मुझे क्या, यहाँ से यानी सिंगुलर वैल्यू को देख के जस्ट मुझे क्या अंदाजा हो जाएगा कि ये जो हाईएस्ट वैल्यू, बिकॉज द डिफरेंस इज वेरी हाई, तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला है बेसिकली दैट इज द इम्पोर्टेंट डायमेंशन के जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो होनी चाहिए, और बाकी जो सेकेंड वाला है मोस्ट प्रोबेबली नॉइज है। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस डेटा इन टू डायमेंशन, मैं इसको वन डायमेंशन कर सकती हूँ, ठीक है, विच मीन्स कि मैं, जिसके हम बात नहीं करते कि हम एरर को जो है वो रिड्यूस करने के लिए लोअर डायमेंशन में लेके जा रहे हैं, दिस इज द सेम थिंग। कि अब उसकी वजह से क्या होगा कि यानी, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अब मैं सिर्फ एक एक्सेस डिफाइन कर रही हूँ जो कि ये ब्लू वाली लाइन है, जिसको मैंने कह दिया कि दिस इज द न्यू बेसिस वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग, यानी अगर आप इसको टिल्ट करके देखें तो इट कैन बी समथिंग लाइक दिस, कि ये एक आपके पास जो है वो लाइन है और इसके ऊपर जो है, इसके आगे पीछे जो है ना, यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, डायमेंशनैलिटी रिड्यूस हो गई है, एंड डेफिनेटली एरर तो आया है, लेकिन द थिंग इज कि बिकॉज ऑफ द रीजन कि मुझे पता है कि सेकेंड सिंगुलर वैल्यू बहुत कम है, तो आई नो कि जो एरर है वो इतना ज्यादा नहीं है कि डायमेंशनैलिटी रिडक्शन जो है वो उसमें कोई मसला क्रिएट करेगी। या ये कि ऑन द अदर हैंड आई कैन अस्यूम कि बेसिकली ये वेरिएबिलिटी जो थी ये थी ही नॉइस की वजह से। तो अगर मैंने इसको सिंगुलर सेकंड सिंगुलर वैल्यू को निकालनी, यानी इन अदर वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये बेसिकली जो डेटा था इट शुड हैव बीन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेकिन ये कि बिकॉज ऑफ सम एरर ये डेटा जो है वो हमारे पास ये टू डायमेंशन में आ गया था, तो आई कैन जस्ट टेक इट वन डायमेंशन। सो दिस इज, दीज आर एक्चुअली सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि व्हाट इज हैपनिंग, कि यू और वी जो है वो डेटा में से एक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं फीचर्स की फॉर्म में। और अगर आप यू और वी के कॉलम्स को देखें ना, तो दे एक्चुअली डोंट गिव यू एग्जैक्ट थिंग कि अच्छा वो बेसिक। जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा, ओके। सो यू और वी जो है देमसेल्फ दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने वो जो एग्जाम्पल की थी कि सिटीज हैं उनके टेम्परेचर है, तो यू और वी एग्जैक्टली आपको ये नहीं बता रहा कि ये टेम्परेचर इतना इस डे में होगा या इस मंथ में होगा या इस सिटी का इतना टेम्परेचर है। इट इज जस्ट टेकिंग आउट द पैटर्न्स। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं वही वाली एग्जाम्पल दूंगी कि फेस रिकॉग्निशन की, कि अगर आप फर्ज करें कोई फेस रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है पैटर्न के हिसाब से, कि किसी भी फेस के फीचर्स की इन्फॉर्मेशन अगर मैं निकाल लेती हूँ, ठीक है, आई नो कि जी फीचर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप की नाक है, एक स्पेसिफिक टाइप की आंखें हैं, तो वो एक स्पेसिफिक रीजन के लोगों के साथ एसोसिएटेड है। तो आई एम जस्ट नॉट, इट इज नॉट लाइक कि मैं अगर वो पैटर्न अगर मेरे पास निकालती हूँ, जिसको एक्चुअली वो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी, कि आइगन फेसेस हम कहते हैं कि हमने उसमें से इम्पोर्टेंट वेरिएबिलिटीज या वेरियंस निकाल लिया और उसको हमने पैटर्न को जो है वो अपने पास रख लिया है, बट इट इज नॉट अ स्पेसिफिक फेस। या इवन मैं ये भी नहीं कह सकती कि दिस इज अ इन्फॉर्मेशन अबाउट
कलर ओनली, कलर की वेरिएबिलिटी ये बता रहा है, दैट इज जस्ट समथिंग जो जो उसमें से निकल रही है, विच इज समथिंग दैट मैटर्स मोस्ट, वो आपके यू और वी वन में जा रहा है, एंड देन सिमिलरली इट जस्ट कीप्स ऑन मूविंग. जैसे जैसे आपके पास आगे हम जाते जाते हैं, सिंगुलर वैल्यूज कम होती जाती है, वैसे वैसे यू और वी का कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम होता चला जाता है. अच्छा, इन एग्जाम्पल से जो हमें एक चीज पता चली है वो ये कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है, दिस एक्चुअली गिव्स one of the application of singular value decomposition is matrix approximation. ठीक है, जो कि हमने अभी देखा है कि ये वाला जो हमने डेटा देखा था कि आपके पास जो है वो बेसिकली आपकी एक्चुअल में 15 नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज है, लेकिन हमने उस डेटा को जो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इमेज था, अगर फर्ज करें मैं इस इमेज को जो है वो ए कह देती हूँ, तो अगर मैं फुल की बात करती हूँ इस इमेज की, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो तो 15 है, मुझे नजर आ रहा है कि 15 तक नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज जा रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास सिग्मा जो है वो 15/15 का है, एंड वी ट्रांसपोज और यू जो है वो उसी हिसाब से आ जाते हैं, लेकिन आई कैन एक्चुअली हैव अ रिकंस्ट्रक्शन अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस ए, जिसको मैंने टिल्डा से सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली ए, विच विल बी इक्वल टू जस्ट सिग्मा 3/3 को ले लू सिर्फ, विच मीन्स के इनके भी सिर्फ मुझे तीन कॉलम्स चाहिए, यू के भी और वी के भी. सो दिस इज एक्चुअली द लो रैंक अप्रोक्सीमेशन, कि आप रैंक 15 से रैंक 3 पे चले गए. अब मेरे पास जो ए टिल्डा है यहाँ पर, इसका रैंक जो है वो ए के मुकाबले में बहुत कम हो गया. बट सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, कि आप डायमेंशनैलिटी को कम कर रहे होते हैं, रैंक जो है वो कम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये हम यहाँ से जो है वो देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस टेलिंग अस. ओके, सो वी आर अप्रोक्सीमेटिंग द मैट्रिक्स, और एसवीडी प्रोवाइड एन ऑप्टिमल लो रैंक अप्रोक्सीमेशन टू अ मैट्रिक्स एक्स. ए रैंक आर अप्रोक्सीमेशन इज ऑब्टेन बाय कीपिंग द लीडिंग आर सिंगुलर वैल्यूज. ठीक है, वही जो हमने देखा है कि हम फर्स्ट अगर आर वैल्यूज को रख लेते हैं, जिस तरह फर्स्ट 3 वैल्यूज को हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, and then corresponding vectors and discarding the rest. Okay, and this is actually what we are seeing here is okay, then theorem kya keh raha hai, the optimal rank r approximation to x in L2 sense. L2 sense ka kya matlab hai, ki hum error jo hai wo L2 mein, zahir error to introduce ho raha hai because I'm all of the information ko drop kar rahe hai. Okay, to isme truncation jo hai, ab isme jis tarah x है, इसको x tilde इसकी approximation है, जो कि rank lower rank approximation है, and what we are saying is कि x tilde जो है वो r singular values और singular vectors से मिलकर बन रहा है, और उसकी वजह से जो है वो error introduce हो चुका है. ठीक है, और this is important, again हमने ये चीज पहले भी discuss की है कि u's and v's जो है वो order importance के हिसाब से हम करते हैं, because sigma जो है वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है. और अगर आपको याद हो, बेसिकली आपने जो होमवर्क किया था जिसमें एसवीडी किया था, उसमें आप ये चीज एक्चुअली लो रैंक अप्रोक्सीमेशन करके देख चुके हैं. ठीक है, और फॉर एग्जांपल उस केस पे जो था, यही इसी इमेज कंप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस लो रैंक अप्रोक्सीमेशन. और इमेज कंप्रेशन में क्या हो रहा होता है, सिंपली वही चीज जो कि आपने अपने उसमें की थी, कि अगर आपके पास आपका अपना इमेज है जिसको आपने मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अब दिस इज इन पिक्सल डोमेन जो एक्चुअल इमेज है. ठीक है, और जिसमें आपके पास जो है वो जो भी मैट्रिक्स है, इट कैन बी एम बाय एन और एन बाय एन, जिस तरह यहाँ पे जो है मैंने एम बाय एन के बजाय एन बाय एन लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन जो है वो इसकी नंबर ऑफ रोज है और एम जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है. और लेट मी राइट, जो यहाँ पे मैंने इसको आर से रिप्रेजेंट किया, ये एक्चुअली पुराने नोट्स है जो मैंने 2 पेजेस वहीं से लिए हैं. ओके, तो डिफॉल्ट बेसिस क्या है, इसमें पिक्सल स्पेस है. ठीक है, अब यहां से जो है वी गो इनटू एसवीडी करके, वी गो इनटू यू एंड वी जो हमारे पास वेक्टर है, हम उसकी स्पेस पे जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन. ठीक है, कि आपके पास अब देखें एक्चुअल पिक्सल स्पेस में कितना साइज है जो कि आपको सेव करना पड़ रहा है, 2000 by 1500 pixels, and
अगर आपका आरजीबी है तो फिर हर पिक्सल के लिए 3 लेवल्स करने पड़ेंगे, तो इसको और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। हाउएवर इफ यू आर ट्रंकेटिंग इट देन आर इक्वल टू 100, विच मीन्स कि आपके पास जो है वो, अगर आप सिर्फ 100 रोज और कॉलम्स ले लेते हैं तो उनको सेव कर लेते हैं और 100 सिमिलर वैल्यूज को कर लेते हैं, तो उसमें जो है वो आपको रिकंस्ट्रक्टेड इमेज मिल जाएगा, विच विल बी क्वाइट गुड रेप्लिकेशन ऑफ द एक्चुअल इमेज, ठीक है। और एक्चुअल इमेज कंप्रेस हो जाएगा, जो कि आप लोगों ने अगेन अपनी होमवर्क में करके देखा था, प्लस जितनी कंप्रेशन के एक एल्गोरिथम है बेसिकली वो यही काम कर रहे होते हैं कि वो बीच में से जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और वहां से जो है वो फिर कंप्रेस फॉर्म में रख लेते हैं, जिससे डेटा, आपने देखा है कि इमेज कंप्रेशन जब आप करते हैं तो क्या होता है, स्टोरेज कम हो जाती है, विच मीन्स कि आप रिकंस्ट्रक्ट। अच्छा, अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अब आप देखें कि यू आर एक्चुअली रिकंस्ट्रक्टिंग अगेन एक्स, आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करने के बाद यू आर इंटरेस्टेड स्टिल इन दिस सेम मैट्रिक्स जहां से आप चले थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो मैट्रिक्स आपके पास अब आ रहा है, इट एक्चुअली नीड्स लेस इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू जो पहले मैट्रिक्स था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास, विच इज सूडो इनवर्स। सूडो इनवर्स की बात जो है वो हमने एक्चुअली पहले भी की थी, चैप्टर नंबर 3 में, 3.1 आपका जो बुक का सेक्शन है, 4.9 में, और अभी हम 7th चैप्टर एक्चुअली एसवीडी के लिए कर रहे हैं। तो सूडो इनवर्स के लिए जो फॉर्मूला है वो 3.1 में जो डेरिवेशन है उसमें है मौजूद, और वो डेरिवेशन हमने लास्ट किसी क्लास में की है, मुझे ये नहीं याद कि कौन सा वाला लेक्चर है, लेकिन आप अपने नोट्स देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेक्चर में हमने किया था। बट द ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल हियर इज कि सूडो इनवर्स जो है ना, उसका फॉर्मूला तो सिंपली ये होता है, उसको हम लिखते कुछ इस तरह से, ए और इसके बाद ये प्लस का साइन है, लेकिन काइंड ऑफ इम्बेलेंस का प्लस है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला जो होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास अंडर डिटरमिन्ड मैट्रिक्स है या ओवर डिटरमिन्ड मैट्रिक्स है, या तो आप, मैं ट्रांसपोज की फॉर्म में लिखूंगी क्योंकि रियल मैट्रिक्स की है, आपके नोट्स में जो है मैंने हर्मिटियन लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हम जेनेरिक लिखते हैं, बट लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस। या तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं सूडो इनवर्स का, या इट कैन बी द अदर वे, ए ट्रांसपोज ठीक है। ओके, अब इन दोनों केसेस में व्हाई डू वी नीड सूडो इनवर्स। सूडो इनवर्स जो है वो बेसिकली हम उस केस में जब हमारे पास मैट्रिसेस जो हैं वो स्क्वायर नहीं है और अब हम उनका इनवर्स कंप्यूट करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी वांट टू कंप्यूट द इनवर्सेस ऑफ ओवर डिटरमिन और अंडर डिटरमिन मैट्रिसेस, तो उस केस में वी यूज सूडो इनवर्स, ठीक है। और why do we need inverse of the matrices? क्योंकि we have been talking about this thing कि हम system की जब बात कर रहे होते हैं, हमारे पास y है जो कि observation है, a है जो कि system है जिसमें से जिसकी output पे हमने observation ली, और x is kind of input जो कि unknown है, ठीक है। System भी we are assuming कि system भी unknown है, observation तो है ही known, लेकिन x unknown है, तो हम इस x को compute करना चाह रहे हैं, और इस x को अगर if you have y equal to ax, तो x अगर आपने कंप्यूट करना है तो इसके लिए यू नीड टू हैव इनवर्स ऑफ a, और इनवर्स इज नॉट पॉसिबल अगर आपका स्क्वायर नहीं है, तो हम सूडो इनवर्स ले रहे होते हैं उसकी जगह, जिसका है ये वाला फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूला है, ठीक है। और व्हाई डू, अगेन दिस इज काइंड ऑफ अ रीकैप कि व्हाई डू वी नीड टू व्हाट आर अंडर डिटरमिन एंड ओवर डिटरमिन सिस्टम्स, आपको सब पता है ये चीजें बार बार डिस्कस करते रहे हैं कि अगर तो हमारे पास मैट्रिक्स स्क्वायर और इन्वर्टिबल है, विच इज द आइडियल केस के m इक्वल टू n है और फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो सूडो इनवर्स इस केस में जो सूडो इनवर्स इज जस्ट इनवर्स, ये सूडो इनवर्स अगर आप उसमें कंप्यूट करते हैं तो इट विल गिव यू द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, क्योंकि वो आपको पता है कि उस केस में इनवर्स को वैसे भी हम निकाल सकते हैं। बट इफ इट इज अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम, विच मीन्स के नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो वी हैव सीन कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, देयर विल बी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस, and we want to find the solution which is the best solution, जो कि normally minimum norm solution होता है, which means कि ऐसा solution जिसमें x जो है वो minimum उसका norm होगा, तो pseudo inverse हमें वो दे देता है।
एंड सिमिलरली ओवर डिटरमिन की केस में जो है वो हमारे पास जब दो कोई भी मतलब अब हमारे पास देखें व्हाट इज द डिजायरेबिलिटी कि आपके पास अगर तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सूडो इनवर्स आपको एक्चुअल इनवर्स देते हैं, फुल फुल रैंक है स्क्वायर है तो एक्चुअल इनवर्स देते हैं विच इट डज. अगर अंडर डिटरमिन है तो बेस्ट सोल्यूशन देते हैं, ओवर डिटरमिन है तो भी ओवर डिटरमिन के केस में भी सौ के नॉर्मली हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते तो हम क्या कर रहे होते हैं वी एक्चुअली kind of project on the lower dimension और वहां से हम approximation निकालते हैं and we always have least square errors जो आ रहे होते हैं. तो we just want कि pseudo inverse हमें ऐसा solution दे दे जो कि वो best approximation आपको दे रहा हो इस x की x best x hat दे रहा हो. And what we claim is कि pseudo inverse actually ये सारी चीजें कर रहा होता है. But the issue is कि अगर आप डायरेक्टली सूडो इनवर्स को कंप्यूट करना चाहते हैं ठीक है सो एक्चुअली लेट मी मूव इट. ठीक है सो इसका क्या मतलब है कि सूडो इनवर्स जो भी मैंने बात की है कि अगर तो ये इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो सूडो इनवर्स ये फाइंड आउट कर देता है, अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन करता है, और अगर जो है नो सॉल्यूशन है तो वो फिर अप्रोक्सीमेशन करके मिनिमम एरर सॉल्यूशन दे देता है. बट द इशू विद सूडो इनवर्स इज कि in this you need to compute inverse of ab maine agar sirf real ki baat kar rahi hu to a transpose a ya a a transpose ka inverse karna hota hai. theek hai ab a transpose a aur a a transpose both are square matrices but it is not necessary that they are rank full rank matrices. ठीक है स्क्वायर तो होंगे लेकिन फुल रैंक नहीं होंगे. एंड बेसिकली आइगन वैल्यूज आपने देखी हुई हैं कि अगर आपके पास इनमें से जो बड़ा होता है उसमें कुछ जीरो आइगन वैल्यूज भी आ जाती हैं विच मींस के रैंक रैंक किसके बराबर होगा बेसिकली मिनिमम के बराबर होगा ना. अगर फर्ज करें कि ये एम बाय एम है एंड दिस इज एन बाय एन और एम इज लेस देन एन तो रैंक एट द मोस्ट तो m के बराबर हो सकता है विच मीन्स कि आपके पास इनमें से कोई एक जो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा. तो उस केस में सूडो इनवर्स को आप डायरेक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते इस फॉर्मूले से बल्कि हम उसको SVD के थ्रू कंप्यूट करते हैं. और SVD के थ्रू क्यों कंप्यूट करते हैं बिकॉज वी हैव सीन अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में 6-7 केसेस डिस्कस किए थे कि SVD एग्जिस्ट नो मैटर आपके पास किस तरह का मैट्रिक्स है स्क्वायर फुल रैंक है स्क्वायर रैंक डेफिसिट है ओवर डिटरमिन्ड सिस्टम के लिए फुल रैंक है या अंडर या रैंक डेफिसिट है या ये कि आपके पास अंडर डिटरमिन्ड के लिए. तो तमाम केसेस में सूडो इनवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट. So what we actually do is we actually try to compute not pseudo inverse SVD always exists so pseudo inverse jo usko hum SVD ki term mein compute karte hain. So let's try to see ke aapke paas SVD jo hai wo uski term mein pseudo inverse ko hum likh kaise sakte hain. Okay so aur main ek aapne dekha hai yahan pe maine jis tarah likha hua tha कि सूडो इनवर्स जो है वो दो इसमें या तो आप ए ट्रांसपोज ए के साथ कर सकते हैं या ए ट्रांसपोज के साथ कर सकते हैं. ठीक है बेस्ड अपॉन के अंडर डिटरमिन है या ओवर डिटरमिन है. तो इसका अब लेट्स ट्राई टू फाइंड द फॉर्मूला विद वन ऑफ देम और उसके बाद आप दूसरे वाले का खुद करके देख लेंगे. फॉर्मूला दोनों में सेम आता है अगर हम SVD लगाना चाह रहे हैं तो. सो लेट मी जस्ट डू दिस जो कि यहाँ पे हमने मैंने किया हुआ है. सो लेट मी राइट द सूडो इनवर्स इन टर्म्स ऑफ SVD. अब सूडो इनवर्स में लेके आ रही हूँ ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए ट्रांसपोज. ठीक है और ए को मैं लगा देती हूँ यू सिग्मा वी ट्रांसपोज ट्रांसपोज एंड देन अगेन यू सिग्मा वी ट्रांसपोज होल इनवर्स टाइम्स यू सिग्मा वी ट्रांसपोज. अब अगर देखें ये ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज हो रहा है ऑर्डर चेंज हो जाएगा सो इट विल बिकम वी sigma transpose u transpose u sigma v transpose
inverse, and then this thing. This is always identity. ठीक है, तो ये मैं बीच में से रिमूव कर सकती हूँ. अच्छा, उसके बाद क्या है, सिग्मा ट्रांसपोज और सिग्मा है. सिग्मा इज डायगनल मैट्रिक्स, तो सिग्मा ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिग्मा. तो इसका मतलब है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके मुझे सिग्मा स्क्वायर दे देंगे. सो आई कैन एक्चुअली डिलीट देम ऑल्सो. और यहां मेरे पास सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा. नाउ लेट मी अप्लाई द इनवर्स. इनवर्स अगेन मैं अप्लाई करती हूँ तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा. वी ट्रांसपोज इनवर्स सिग्मा माइनस टू एंड वी ट्रांसपोज आ जाएगा. ओ सॉरी, ये यू है. नहीं ठीक है, ओके हाँ सही है, सही सॉरी वी है. ठीक है, ये आ जाएगा. यहाँ एक ट्रांसपोज है जो कि मैंने मिस किया हुआ. तो जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो दिस विल बिकम वी सिग्मा ट्रांसपोज यू ट्रांसपोज. अगेन दिस इज आई, तो ये आई कैन रिमूव दिस. नो मैटर आपके पास जिस तरह का भी ट्रंकेटेड है या नहीं है, वी ट्रांसपोज वी एंड वी यू ट्रांसपोज यू आर ऑलवेज इक्वल टू आइडेंटिटी. द अदर वे राउंड जो है वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता. अगेन सिग्मा ट्रांसपोज इज सेम एज सिग्मा, तो इसका मतलब है सिग्मा रेज टू पावर माइनस टू इंटू सिग्मा हमें क्या दे देगा, सिग्मा रेज टू पावर माइनस वन. तो आई कैन हैव इसकी जगह आई हैव वन और यू ट्रांसपोज यहाँ आ जाएगा. अब ये वाली जो चीज है, अब देखें बिकॉज वी ट्रांस वी इज ऑर्थोगोनल, सो वी ट्रांसपोज इज इक्वल टू वी इनवर्स. So which means ki v transpose inverse is, agar main isko inverse kar rahi hu to this is actually equal to v transpose transpose which is equal to v. to ye mere paas aa jayega u sigma inverse, sorry v sigma inverse u transpose. this is the formula for pseudo inverse for any case. ठीक है, अब दूसरा वाला जो है वो आप खुद करके देखिएगा कि उसके लिए क्या आता है. लेकिन ये कि यू विल गेट द सेम फॉर्मूला, वी ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स, नॉट वी ट्रांसपोज, वी सिग्मा इनवर्स एंड यू ट्रांसपोज. और दिस इज एक्चुअली जो भी हमारे पास ए का फॉर्मूला था उसको आप देख लें कि हमने उसको इनवर्स ही कर दिया. ठीक है, और फिर इनवर्स करने के बाद जो है वो यू इनवर्स की जगह यू ट्रांसपोज लगा दिया बिकॉज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है. So this is actually important. कि अब हमने अगर तो ax equal to y को सॉल्व करना है एंड x hat will be equal to a pseudo inverse y और pseudo inverse is equal to v sigma inverse u transpose y. So this is actually the approximation and this will always give us the best solution for all the cases. Yani for underdetermined case mein jo hai infinite many solution mein se ye minimum norm solution hame hamesha de raha hoga. For case of overdetermined systems it will give us the x hat that will be approximation of x and it will give the minimum error or least square solution jo hai wo hame provide kar raha hoga. Kaise kar raha hoga ya kya hoga wo hum next class mein dekhenge. Abhi jo hai just one more thing main karna chahti hu, fir we will stop. Ke full rank matrices ya rank deficit matrices hain to us case mein aap ke paas singular values ko ye jo pseudo inverse hai usko aap kis tarah se compute कर सकते हैं. तो इसमें एक्चुअली व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज के लेट मी जस्ट डू वन और टू ऑफ दीज और बाकी जो है वो आप लोग खुद करके देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट के हमारे पास ए इज फुल रैंक, यानी आइडियल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, कि फुल रैंक है ए
और फुल रैंक ए में वी हैव थ्री सिचुएशन आ सकती है ना, ओवर डिटरमिन्ड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है ए, और अंडर डिटरमिन्ड हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक थिंग कि हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि ए इज फुल रैंक की हम बात करते हैं. Full rank and square. ठीक है, अब इस केस में आपके पास what will be the pseudo inverse? अब आप देखें pseudo inverse जो है that is actually अगर आप pseudo inverse के साथ a को apply करते हैं you should get an i. ठीक है, तो pseudo inverse का फॉर्मूला क्या है? U इक्वल टू V सिग्मा इनवर्स U ट्रांसपोज, और a को अगर मैं उसके फॉर्म में लिखती हूं तो U सिग्मा V ट्रांसपोज है. नाउ बिकॉज इट इज फुल रैंक, एक्चुअली ये वाली जो चीज है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू आई, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है v सिग्मा इनवर्स सिग्मा v ट्रांसपोज. व्हाट इज दिस, ये क्या हो जाएगा, मुझे कौन बताएगा? पता नहीं आप लोग हैं कि नहीं है, हामिद हैं जी? हामिद जी, ये क्या हो जाएगा मैम? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है. अच्छा अब अगला भी चले, आप ही बता दें बाप. और व्हाट विल बी दिस वन नाउ, वी और वी जी. अब देखें वी नो के स्क्वायर है और फुल रैंक है, तो उस केस में वी वी ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? एनीवन एल्स? आइडेंटिटी के इक्वल. ठीक है, अब देखें जो चीज जहन में रखनी है वो ये कि U ट्रांसपोज U, और ये हमने पीछे ना बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है डिटेल में किया एग्जांपल्स के साथ पिछले लेक्चर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो नहीं करूंगी, लेकिन U ट्रांसपोज U एंड V ट्रांसपोज V इज आइडेंटिटी फॉर All cases, ठीक है, लेकिन U U transpose and V V transpose, they are identity only if U and V are full rank मेट्रिसेस. ठीक है, तो अब यहां पर क्योंकि यहां पे मैंने बात की हुई है कि वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि आपके पास जो है वो फुल रैंक मैट्रिक्स है, तो इसकी वजह से ये चीज आइडेंटिटी है, एंड विच मींस कि अगर मैं ए सूडो इनवर्स को ए के साथ अप्लाई करती हूँ तो आई एम गेटिंग आइडेंटिटी, एंड आई ऑलरेडी नो के ए इनवर्स को ए के साथ अप्लाई करने से आइडेंटिटी आता है, विच मीन्स के इस केस में इफ फुल रैंक मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मेरा सूडो इनवर्स इज एक्चुअली गिविंग मी द इनवर्स इटसेल्फ. ठीक है, और ये दूसरी साइड से भी आप इसको खुद से जो है वो प्रूव करके देख सकते हैं. नाउ व्हाट अबाउट इफ आई हैव The same thing, A is full rank, लेकिन square नहीं है. जी, then what happens? Okay, so what I'm saying is कि second जो condition है उसमें हम क्या कह रहे हैं कि n is less than or less than कर देती हूँ, equal को छोड़ देते हैं actually. N is लेस देन m, ये कौन सी कंडीशन होगी? इफ a इज m बाय n तो ये क्या हो जाएगा?
ओवर या अंडर डिटरमाइंड? एम इज ग्रेटर देन एन का क्या मतलब है? ए कुछ इस तरह का है ना, ओवर डिटरमाइंड है कि अंडर डिटरमाइंड? जल्दी से बताइए। ओवर डिटरमाइंड है ये। ये ओवर डिटरमाइंड है और इसके रैंक एट द मोस्ट क्या हो सकता है? एन हो सकता है, एन हो सकता है। ओके, तो लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो फुल रैंक है सिस्टम, और ये वाला सिस्टम है जिसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, या ओवर डिटरमाइंड सिस्टम है। इस केस में आर सूडो इनवर्स विल बी इक्वल टू सिंपली जो हमने पीछे फॉर्मूला नहीं लिखा था, यानी आपको SVD निकालने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट दिस इज टेलिंग अस, दिस इज सिंपली टेलिंग अस कि इस केस में क्योंकि फुल रैंक ए है, तो फुल रैंक ए का क्या मतलब है कि ये ए ट्रांसपोज ए जो है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप इसको डायरेक्टली भी कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रूफ है वो आपको देखें मैं एक्चुअली करूंगी नहीं, टाइम खत्म होने वाला है, सो लेट मी जस्ट रैप इट अप के यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, प्रूफ में अब आप देखें कि सो व्हाट वी आर सेइंग इज के अगर इसका सूडो इनवर्स सिर्फ इस तरह से आ रहा है तो इट मींस के हमारे पास जो है वो ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए, या जहाँ पर यहाँ पर जो है वो मैंने इसको ए ट्रांसपोज ए किया हुआ, हर्मिशियन नहीं लिया हुआ यहाँ पर भी जो है, ये जो है इस चीज को अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ देन आई शुड गेट आइडेंटिटी। ओके, और इसको हमने सॉल्व किस तरह से किया हुआ है? आई हैव एक्चुअली लेट मी एक्चुअली राइट इट हियर। ए सूडो इनवर्स ए के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस केस में व्हाट वी आर गेटिंग इज ए सूडो इनवर्स क्या बन जाएगा इस केस में? चले आप में से कोई मुझे बताइए कि ये चीज मैंने कैसे लिखी हुई है यहाँ पर, अभी है ना हमारे पास 7 मिनट्स, थिंक अबाउट इट, इसकी जगह मैंने ये कैसे लिखा हुआ, ए ट्रांसपोज ए की जगह बेसिकली मैंने ये लिखा हुआ। ठीक है, बाकी तो ये नजर आ रहा है कि ये तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। जब करके देखें ये आता है कि नहीं आता। ओके, लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट। ए ट्रांसपोज ए को अगर आप सिंगुलर वैल्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो डू यू गेट दिस थिंग और नॉट? एक्चुअली मुझे नजर आ रहा है कि इट शुड बी दिस थिंग। ओके, लेट्स डू इट टुगेदर। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? U transpose, sigma transpose, V, और A क्या है? Actually नहीं, U sigma ये मैंने उल्टा कर दिया। Transpose is A transpose will be equal to V sigma transpose U transpose, अभी हमने पिछले वाले उसमें किया था स्लाइड में, और A is equal to U sigma V transpose inverse, और आगे मैं इसको इसी तरह रहने देती हूँ फिलहाल। तो what is this? This is always equal to identity, ठीक है, इसको मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, ये एक से multiply sigma transpose is same as sigma, तो इसका मतलब है sigma square आ जाएगा, तो यही वाली चीज आ जाएगी जो हमने यहाँ लिखी हुई है। So what I am getting here is I am getting V sigma square V transpose square inverse times pseudo inverse. और pseudo inverse का क्या formula था? Oh sorry, not pseudo inverse, transpose है मेरे अपने जो है ना वो डायलेफ पे कुछ का कुछ बन जाता है। ठीक है, this is transpose, pseudo inverse तो दूसरी साइड पे हमने लगाया हुआ, तो this is transpose, so this is actually equal to V सिग्मा ट्रांसपोज यू ट्रांसपोज। ओके, और अगर मैं इसको अब इनवर्स को खोलती हूं तो आई एम गेटिंग दिस थिंग, मैंने ये ओके लेट मी जस्ट राइट इट फ्रॉम हियर कि मैंने ये वी इनवर्स टाइम वी आ जाएगा बीच में, और ये जो वी इनवर्स है दिस इज इक्वल टू वी ट्रांसपोज वाई बिकॉज फुल रैंक है। ठीक है, v transpose is equal to v inverse क्योंकि full rank है, तो इसका मतलब है कि v inverse v को मैं v transpose v लिख सकती हूँ, and this is equal to i, और उसके बाद मैं sigma को जब multiply करती हूँ तो at the end of the day मेरे पास ये चीज आ रही है which is equal to
सूडो इनवर्स, ठीक है. और सो व्हाट दिस इज टेलिंग मी इज कि अगर मेरे पास फुल रैंक मैट्रिक्स है तो सूडो इनवर्स निकालने के लिए जो है वो सिंपली मैं एक्चुअल मैट्रिक्स से ही निकाल सकती हूँ. माय क्वेश्चन इज अगर रैंक डेफिसिट हो जाता तो कहाँ पे मसला आ रहा होता जिसकी वजह से मुझे एसवीडी करना ही पड़ता. क्योंकि देखिए ना अभी भी तो मैंने एसवीडी करके उसे ही प्रूफ किया है इसको, और एंड में जो मेरे पास फॉर्मूला आ रहा है दिस इज द फॉर्मूला फॉर सूडो इनवर्स. सो व्हाट वुड हैव हैपेंड जो कि जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास ओवर डिटरमिन है, अंडर डिटरमिन है या स्क्वेयर है, फुल रैंक है, तो उस केस में आप डायरेक्टली ए से इनवर्स सूडो इनवर्स कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है. और फॉर स्क्वेयर जो है वो तो सूडो इनवर्स इज सेम, यानी इनवर्स करें तो दैट इज सूडो इनवर्स. फॉर लो रैंक, सॉरी फॉर अंडर ओवर डिटरमिन्ड, आपके पास अगेन हमें नजर आ रहा है कि सूडो इनवर्स इज एक्चुअली गिविंग यू, अगर आप इस यहाँ से कंप्यूट करते हैं इस फॉर्मूला से, तो ये आपको जो है वो सूडो इनवर्स यहाँ से मिल जाएगा. एसवीडी में जाने की ऐसी जरूरत नहीं है आपको. और जो लास्ट चीज है जो कि मैं नहीं करूँगी, आप बाद में खुद करके देखेंगे, वो ये है कि अगर इन केस ऑफ अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम, उस केस में भी जो है यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो सूडो इनवर्स जो है वो सिंपली ए से ही हम निकाल सकते हैं. ये प्रूव यहाँ पे मैंने नहीं किया हुआ है, आप खुद करके देखेंगे. नाउ माय क्वेश्चन इज कि व्हाई डू वी डू दिस, व्हाई डू वी हैव टू डू दिस, कि व्हाट दिस इज टेलिंग अस इज कि फॉर ऑल द अदर केसेस जिसमें रैंक डेफिसिट ए है, सूडो इनवर्स एसवीडी के थ्रू ही निकालना पड़ेगा. Why? Anyone? चले ये क्वेश्चन जो है ना वो सोचिएगा, और उसके बाद मे बी नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, या ये कि मैं आपको जो है वो राइट इट समवेयर में होमवर्क में आपको दे दूंगी, फिर आपको सोच के इसमें क्वेश्चन लिखेंगे. और आई होप कि आप जो है वो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हुआ है कि एसवीडी वगैरह जो है वो बेसिक्स किस तरह से हैं ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एल्गोरिथम्स जो कि आप इसके आगे करते हैं, क्लासिफिकेशन के लिए, क्लस्टरिंग के लिए, एंड सो मेनी एप्लीकेशंस, एआई, मशीन लर्निंग, एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन दिस बेसिक एसवीडी या पीसीए, इनके ऊपर जो है वो बेस करता है. और अब होपफुली जब आप आगे पेपर्स वगैरह पढ़ा करेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रियल सिनेरियो में क्या हो रहा है. इसके बाद हम बस एक लेक्चर हमारा रह गया है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद नेक्स्ट सैटरडे या संडे को ही ले लूँगी. एंड देन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो लोग नहीं थे पहले, खैर आप वैसे रिकॉर्डिंग देख के भी आपको पता चल जाएगा, बट द थिंग इज के यू विल हैव अ टेक होम मिड एग्जाम इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई. उसकी डिटेल्स जो है वो मैं बाद में आप लोगों को अपलोड कर दूंगी, बता दूंगी. और इसके अलावा जो है वो आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन जो है दैट विल बी इन थर्ड वीक ऑफ जुलाई. और अगर तो खुल जाता है आईएसटी, तो फिर जाहिर है कि प्रेजेंटेशन जो है वो इन पर्सन होगी, फिजिकल आप लोगों को आना होगा. अदरवाइज ये कि मैं ऑनलाइन ही प्रेजेंटेशन ले लूँगी, तो लेकिन थर्ड वीक ऑफ जुलाई में होगा. और उसके बाद जो है वो फिर मेरा ख्याल है आपके एग्जाम अगस्त के फर्स्ट या सेकेंड वीक में. ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम. अल्लाह हाफिज़.